ना हाँ ये भी नहीं यार, मेरी पिक्चर कभी अच्छी आ ही नहीं सकती। गाइस अगर आपको भी लगता है कि आपकी फोटो कभी अच्छी नहीं आ सकती तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स जिससे आपकी हर एक फोटो अब से स्टाइलिश और अट्रैक्टिव आने लग जाएगी। वेलकम बैक गायस। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जतिन खेरवट है। इंटरनेशनली और नेशनली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूँ। और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए मॉडलिंग के बारे में, फिटनेस के बारे में, फैशन ग्रूमिंग के बारे में, तो आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी हर नई वीडियो के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आपकी हर एक फोटो और भी ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव कैसे आ सकती है। तो पहला स्टेप है, एक अच्छी फोटो के लिए आपको पहले अपने लिए आउटफिट डिसाइड करना है। आप क्या पहनने वाले हो? अगर आप लड़के हो तो आप क्या पहनने वाले हो? जींस एंड टी शर्ट पहनोगे, सूट पहनोगे, जैकेट्स पहनोगे, या कुछ भी जो आपको बेस्ट लग रहा हो उसे पहले ही डिसाइड कर लो। और अगर आप लड़की हो तो क्या आपने अपने लिए कोई ड्रेस फाइनल करी है, जंप सूट फाइनल किया है, या सूट फाइनल किया है, या कुछ भी जो आपको भी बेस्ट लग रहा हो? अपने कपड़ों को पहले ही डिसाइड कर लो। मेक श्योर गाइस योर सिलेक्टेड क्लोथ शुड बी वेल क्लीन एंड रिंकल फ्री। इसके बाद आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे और वो है फाइंड द इंस्पिरेशन। अपनी स्टाइलिश फोटो के लिए आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम में देख सकते हो, मैगजीन्स में देख सकते हो, या पिंटरेस्ट से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हो, ताकि आपको पहले से कुछ आइडिया मिल जाए कि आप अपने कपड़ों को जो आपने सेलेक्ट किए थे आप किस तरह और स्टाइल से पहन सकते हो, और आपको कुछ पोजिंग के भी आइडियाज मिल जाएंगे। नहीं समझ आया? तो चलिए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे अपनी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाने के लिए मैंने अपने लिए आउटफिट डिसाइड किया डबल प्रेस्टेड सूट। अब मैं अपनी फोटो क्लिक करवाने के लिए कुछ रेफरेंस देखूंगा ऑनलाइन। मैं ज़्यादातर पिंटरेस्ट में देखता हूँ अपनी फोटोज के लिए रेफरेंसेस। तो यहाँ मैं सर्च पे लिखूंगा डबल ब्रेस्टेड सूट मैन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे कितने सारे रेफरेंसेस मिल गए कुछ पोजिंग के लिए, और मैं सूट को किस स्टाइल से पहन सकता हूँ। अब मैं इनमें से जो मुझे बेस्ट लगेंगे मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से, तो मैं इनके स्क्रीनशॉट ले लूँगा और सेव कर लूँगा। बट मेक श्योर गाइस आपको किसी को भी फुली कॉपी नहीं करना, आपको बस इंस्पिरेशन लेनी है, और अपने पर्सनल स्टाइल के साथ आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो। गाइस मेक योर ओन स्टाइल ताकि आपकी पर्सनैलिटी औरों से अलग लगे। गाइज अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा हूँ, आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवालों का जवाब देता रहूँगा। तो अब बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इससे आपकी फ़ोटो खराब भी लग सकती है और बहुत अच्छी भी आ सकती है, और वो है योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोजिंग। और ये सीखने में टाइम तो लगता ही है, पर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें भी एक्सपर्ट होने लग जाते हो। इनफैक्ट मैं भी अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और पोजिंग की प्रैक्टिस मिरर के सामने करता रहता था। चलिए मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि कल मेरा शूट है जैकेट्स का, तो मैं पहले ही कुछ रेफरेंस देखता था ऑनलाइन, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टेप 2 में बताया था, और वही सारे रेफरेंस को देखकर पहले मैं प्रैक्टिस करता था मिरर के सामने, और अपने पर्सनल स्टाइल के हिसाब से पोजिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस को इम्प्रोवाइज भी करता रहता था, ताकि मैं फुली प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट रहूं कैमरा के आगे, जिससे मेरी फोटोज भी अच्छी आती थी और ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता था अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और पोजिंग के बारे में भी। और ऐसी प्रैक्टिस आप भी कर सकते हो। गाइस दिस इज अ रियली गुड टिप, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अभी तक यहाँ तक
आपने एक अच्छी फोटो क्लिक करवाने के लिए अपना आउटफिट डिसाइड कर लिया और उस आउटफिट के हिसाब से आपने कुछ रेफरेंस फोटोज भी निकाल ली और उस रेफरेंस फोटो के हिसाब से आपने उसकी प्रैक्टिस भी करी मिरर के सामने। पर एक अच्छी फोटो के लिए एक अच्छी लाइट का होना बहुत जरूरी है। जस्ट रिमेंबर गाइस, फॉर योर रियली गुड पिक्चर्स लाइट इज द मेन की, और सबसे बेस्ट लाइट होती है नेचुरल लाइट यानी कि सनलाइट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली सन के सामने खड़े हो जाओ अपनी फोटोज को क्लिक करवाने के लिए। आपको वहां फोटो क्लिक करवानी है जहां सनलाइट डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं पड़ रही हो यानी कि जहां छाया हो। और अगर आपको और भी ज्यादा अच्छी फोटोज चाहिए तो सबसे अच्छी फोटोज आती हैं नेचुरल लाइट के गोल्डन आवर्स में। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है सनराइज के एक घंटे बाद और सनसेट के एक घंटे पहले जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं गोल्डन आवर्स। और यहाँ पे आप अपनी फोटो इवन सनलाइट के सामने खड़े होकर भी फोटो क्लिक करवा सकते हो क्योंकि ये लाइट काफी वार्म लाइट होती है। ज्यादातर ब्लॉगर्स भी अपनी इसी गोल्डन आवर्स में अपनी फोटोज को क्लिक करवाते हैं क्योंकि ये वार्म नेचुरल लाइट आपकी फोटोज को एक्सप्रेसिव और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। और अगर बात की जाए इंडोर में अपनी फोटोज को क्लिक करवाने की तो आपको वहां फोटो क्लिक करवानी है जहां लाइट आपके फेस पे आ रही हो, पीछे नहीं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां लाइट नहीं है पर यहां लाइट अच्छी है तो आपको यहां अपनी फोटो क्लिक करवानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की और वो है यू शुड बी वेल ग्रूम्ड। अपनी फोटो क्लिक करवाने से पहले अपने हेयर स्टाइल और फेस को जरूर चेक कर ले और ये भी चेक कर ले कि आपका फेस ऑयली तो नहीं दिख रहा। अगर ऑयली दिख रहा है तो एक्सेस ऑयल को टिश्यू पेपर से डैप कर लो क्योंकि 99% हमारी फोटोज इससे बहुत खराब लगती है और हमें लगता है कि हमारी फोटोज कभी अच्छी आ ही नहीं सकती। तो अब बात करते हैं स्टेप 6 की और वो है गेट रेडी एंड स्माइल। आपकी फोटोज आपकी आंखों की स्माइल की वजह से बहुत अच्छी और एक्सप्रेसिव आती है। अब आप सोच रहे होंगे ये स्माइल क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे, अगर मैं फोटो क्लिक करवाते हुए कैमरा के लेंस में ऐसे देखूंगा तो मेरी फोटो 100% अच्छी नहीं आएगी और अगर मैं कैमरा के लेंस में ऐसे स्माइल करूंगा यानी कि आंखों से स्माइल तो मेरी फोटो अट्रैक्टिव लगेगी। क्या आपने ये नोटिस किया? मॉडल्स भी अपनी फोटोज को क्लिक करवाते समय ऐसे ही स्माइल करते हैं और अब आप भी कर सकते हो। तो गाइस कैसी लगी ये वाली टिप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की और वो है टेक एज मैनी शॉट्स। गाइस जितना हो सके अपनी फोटोज को क्लिक करवाते रहो ताकि आप उनमें से अपनी बेस्ट पिक्चर्स को सिलेक्ट कर सको। एंड डोंट वरी गाइस, किसी की भी एक बारी में अच्छी फोटो नहीं आती, इनफैक्ट मॉडल्स की भी नहीं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चलिए गाइस इन सारे स्टेप्स को समराइज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले स्टेप में हमने अपने लिए आउटफिट डिसाइड किया, फिर उसी आउटफिट के हिसाब से हमने कुछ रेफरेंसेस देखे ऑनलाइन और जो हमें बेस्ट लगे हमने उनको सेव कर लिया। उसके बाद हमें उसी रेफरेंसेस को देखकर कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस और पोजिंग की प्रैक्टिस करी मिरर के सामने ताकि हम जब भी अपनी फोटोज को क्लिक करवाएंगे हम कॉन्फिडेंट रहे कैमरा के सामने। फिर स्टेप 4 में हमने सीखा कि एक अच्छी फोटो के लिए एक अच्छी लाइट का होना बहुत ज़रूरी है और फोटो क्लिक करवाने से पहले अपने फेस और हेयर को ज़रूर चेक करना है। और अब आप रेडी हो चुके हो अपनी स्टाइलिश और अट्रैक्टिव फोटो क्लिक करवाने के लिए। गेट रेडी एंड स्माइल।
एंड रिमेंबर गाइस, टेक एज मैनी शॉट्स, क्योंकि आप उनमें से अपने लिए बेस्ट फोटोज को ही सिलेक्ट कर पाए। तो ये थे वो सारे स्टेप जिससे आपकी हर एक फोटो और भी ज्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव आ सकती है। सो गाइस, कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है तो उससे आप जरूर शेयर करना। एज ऑलवेज, दिस इज जतिन खेरवट साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे ब्यूटिफुल।